जण्यो मायड़ पूत जण्यो थे मिन खारा सिरमोर, धन्य मायड़ कोख था की धन धन था को नूर, धन धन था को नूर। ऐसे ही माँ भारती के अमर सपूत श्री ओम प्रकाश जी जाखड़ की प्रतिमा का अनावरण आज यानी कि 16 मई 2023 को निर्जर धाम राणासर नीमका थाना में संपन्न हुआ है। राइफलमैन अमर शहीद ओम प्रकाश जी जाखड़ के सुपुत्र राजकुमार जी जाखड़ हमारे बीच में हैं, जिनके नेतृत्व में आज ऐतिहासिक समारोह शेखावाटे की इस धरती पर हुआ है, जहां पर हजारों संत महात्मा, लाखों की तादाद में जनमानस, पुलिस प्रशासन और देश और प्रदेश से गणमान्य जनों की गरिमा में उपस्थित ने इस कार्यक्रम को दिव्य और भव्य बना दिया। श्री राम दरबार की भव्यता के साथ में शुरू हुआ ये कार्यक्रम प्रतिमा अनावरण के साथ में एक जनसभा के रूप में परिवर्तित हुआ। यहीं पर 108 कुंडीय यज्ञ का आयोजन श्री सीताराम दास जी महाराज के सानिध्य में संपन्न हुआ और इस ऐतिहासिक समागम में अनेकों महापुरुषों का अद्भुत समावेश हुआ है। पिताजी के पदचिन्हों पर चलकर सेवा और संस्कारों को अपनाने वाले राजकुमार जी जाखड़, आज सर एक बड़ा ऐतिहासिक आयोजन आपके जीवन का अप्रतिम कार्यक्रम है। पिताजी को आपने सजीव रूप से नहीं देखा, आप गर्भ में थे, लेकिन आज पिताजी की प्रतिमा का अनावरण करवाने का सौभाग्य आपको मिला है। संतों के सानिध्य में, गौ माता की सानिध्य में और ऐसे पावन श्री राम दरबार के बीच कितना गौरव है, किस तरीके के भावुक पल है। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा कि आप हमारे छोटे से विनम्र आग्रह पे हमारे यहाँ निर्जर धाम पधारे। दूसरा, मैं इसमें अपना कोई गौरव नहीं मानता हूँ, मेरी माताजी ने बड़ा संघर्ष किया है, उन्होंने जिस तरीके से हमें पाला पोसा, जिस तरीके से बड़ा किया, जिस तरीके से उन्होंने मेहनत करी, ये उसी का प्रतिफल है, उनके संस्कार ही आज ये हैं। पिताजी ने शरीर भले ही छोड़ा, लेकिन उन्होंने हमें कभी ये लगा नहीं कि हमें पिताजी की कमी महसूस हुई, उन्होंने हमें पूरा वो प्यार प्रेम संस्कार सब कुछ दिए, तो हमारी माताजी का बड़ा तुल्य सहयोग है और पिताश्री का हमेशा साथ रहा है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं रह के अप्रत्यक्ष रूप से इनकी शक्ति हमें मिली है। एक पिता की शक्ति को आपने पाया है, माँ का वात्सल्य पाया है। आज जब संत महापुरुष 108 कुंडी यज्ञ, श्री राम का भव्य दरबार, इतना बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम, इतना बड़ा मैनेजमेंट, ये सब देख कर कहीं लगता है कि जीवन में कभी ऐसा पल भी आएगा जब हम इस स्थिति में होंगे। इसमें सर दो ही चीज़ें होती हैं, सबसे बड़ा मामला इसमें होता है आदमी की इच्छा शक्ति का। इच्छा शक्ति आपकी ठीक है तो आप कहीं कर गुजर जाएंगे। मेरे नाना जी ने एक बार एक बात कही थी कि आपके बैंक बैलेंस में घर में कितने पैसे हैं वो कभी भी खत्म हो सकते हैं। आपकी मार्केट वैल्यू ठीक है, आपको उधार मिल जाता है, सामान मिल जाता है, तो चीज़ें आती रहती हैं जाती रहती हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपकी मार्केट वैल्यू ठीक है, आपने व्यवहार सही रहा, आपके संस्कार अच्छे रहते हैं, तो आप ये काम करने की आपके इरादे नहीं है कि नीयत साफ सुथरी तो कहीं पीछे हटेंगे नहीं, आपको ऐसा सफलता कभी देखनी नहीं पड़ेगी। तो मेरा मानना है कि हमारे इरादे नेक रहे, संस्कार अच्छे रहे, उसका परिणाम आज आपके सामने इतने लोगों ने प्यार दिया। हमारे राणासर गांव का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मेरा हर समय जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ी तो 1% चाहता, उन्होंने 100% मुझे सहयोग दिया। माँ को वीरांगना के सम्मान स्वरूप आपकी मेहनत से, सेवा संस्कार व्यवहार से गाँव की सरपंच भी चुनी है, इतने बड़े आयोजन में आपको मुखिया मान के सब लोगों ने आपकी लीडरशिप में काम किया है, तो उन ग्राम पंचायत के पूरे श्रद्धालुओं के प्रति आपका आभार। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, इन सब लोगों का जो अपनत्व है वही मेरे जीवन का संबल है, इनका प्यार आशीर्वाद स्नेह वो आपके चैनल के माध्यम से जैसे भी जिन लोगों तक जाए वो बना रहे, यही मेरी ताकत रहेगी। जिस तरीके से आपने गौ सेवा शुरू की, राम दरबार का जीर्णोद्धार किया, क्या ऐसी प्रेरणा थी जिस प्रेरणा ने इतने बड़े आयोजन को स्वरूप दे दिया? जी, अपनी ज़रूरतें थोड़ी कम है, ज़रूरतें ज़्यादा नहीं है, तो ज़्यादा बैंक बैलेंस दुकान प्लॉट के चक्कर में पड़ते नहीं, तो ये जरिया मिला, सुकून मिलता है, जगह अच्छी है और 1000 साल पुराना मंदिर है, तपोस्थली है लक्ष्मीदास बाबा की, मन लगा धीरे धीरे बढ़ते गए, आगे से आगे बाबा ने रास्ता दिखाया, पिताश्री के संस्कारों से माताजी के बढ़ते गए, कोई ज़्यादा विशेष ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा। एक 32 साल का युवा इतना कुछ कर सकता है, लोगों के लिए एक आपने बहुत बड़ा इवेंट मैनेजमेंट का पाठ पढ़ा दिया है, आपने सबको साथ लेकर चलने की लीडरशिप का लोहा मनवा लिया है, इतना सुव्यवस्थित कार्यक्रम और शांतिपूर्ण आयोजन करके आपने अपनी कर्मठता का बहुत शानदार प्रदर्शन किया है, तो युवाओं के लिए आपका संदेश कि किस तरीके से युवा अपने संस्कारों को साथ रख के देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए सब कुछ अच्छा कर सकते हैं। युवाओं के लिए, मेरे छोटे बड़े जो भी भाई हैं उनके लिए मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ा जो मंदिर है वो अपने माँ बाप हैं, उनकी सेवा करो, उनके सानिध्य में रहो और अच्छे संगत का पूरा खेल संगत का है, अच्छे लोगों के पास बैठोगे अच्छी चीज़ सीखोगे, बुरे लोगों के पास बैठोगे बुरी बात सीखोगे, तो संगत का गलत जगह ना बैठें,
दुर्व्यवसन ना करें, माता पिता को सर्वोपरि माने, यही मेरा उनसे निवेदन है, आग्रह है। तो निश्चित रूप से युवा पीढ़ी के लिए संदेश है, और आपके आग्रह पर सेना के ब्रिगेडियर कैप्टन कर्नल यहाँ पर आए, संतों को निशाने दे दिया, वीरांगनाओं का सम्मान हुआ, पूरे मंच पर देशभक्ति और भगवत भक्ति के भजन सुनाए गए, सारा पंडाल इतना अनुशासित रूप से सरोवर रहा। कार्यक्रम में विशेष रूप से राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी हेलीकॉप्टर से आए, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा। पूरे कार्यक्रम में राजकुमार जी के चेहरे पर वही स्मार्टनेस, वही एनर्जी, वही पॉजिटिविटी और सबके प्रति आत्मीयता और स्नेह का भाव, ये वाकई में हम सबको जीवन में कुछ श्रेष्ठ करने की प्रेरणा देती है। और आइए निर्जर धाम जैसी इस धन्य धरा से, जहाँ लक्ष्मीदास जी महाराज ने वर्षों तपस्या तपी है, अनेक संत महात्माओं ने तपस्याएं तपी है, ऐसी दिव्य भूमि से हम समाज के लिए, राष्ट्र के लिए अच्छा करने का संकल्प ले रहे हैं।